अरवली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र के खसपरी के पास उस समय हड़कंप मच गया जब नाराज ग्रामीणों ने बैरिकेटिंग लगाकर रोड को जाम कर दिया और जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि खसपरी का रहने वाला 19 वर्षीय युवक कल शाम 6 बजे शारदा नहर में डूब गया। घटना के 15 घंटे बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा न तो गोताखोरों को बुलाया न ही एनडीआरएफ की टीम को। जिला प्रशासन की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। इस सड़क जाम में सड़कों पर वाहन फंसे रहे, जहां सैकड़ों वाहन फंसे रहने की वजह से सड़क पर जाम हो गया, जिसकी सूचना पर मौके पर एसडीएम सदर व कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचे, पर ग्रामीणों का आक्रोश ठंडा नहीं हो पड़ा। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की कि जब तक गोताखोर व एनडीआरएफ की टीम नहीं आएगी तब तक हम जाम नहीं खोलेंगे। अंशु श्रीवास्तव, मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। ये क्यों रोड जाम किए हैं? हम लोग रोड इसलिए जाम किए हुए हैं कि हमारी मांग ये है कि हमारे गांव का एक बच्चा डूब गया है इसमें। कल खेत आया था यहाँ, वो पानी हाथ पांव धोने के लिए गया था, उसमें जो फिसल के चला गया। प्रशासन द्वारा सूचना दी गई 112 पे, उसके बाद मिल एरिया ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया कि कल सुबह जो है 8-9 बजे डलमोह से आएंगे गोताखोर, एनडीआरएफ आएगी। सीओ साहब से भी हमारी लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया, तो कल हम लोगों ने रोड नहीं जाम किया। 6 बजे की घटना कल, इसलिए हम लोगों ने आज गाँव वालों ने मिलकर रोड जाम किया। हमारी शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि हमें हमारे बच्चे की बाटी मिल जाए और हम लोग जो है रोड खोल दें।